दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वक्त हम बिहार पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त हम बहुत बड़ी अपडेट लेकर की प्रेजेंट हुए हैं। तो दोस्तों उस अपडेट को जानने के लिए आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए हम रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहें। तो चलिए सबसे पहले अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अपडेट को जानने के लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के ब्राउज़र को खोल लेना है। किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन करके आपको ये सर्च कर लेना है। इस तरीके से जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस वेबसाइट लिंक आपको नीचे जो है मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस तरीके का जो इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। इसमें आपको 1, 2, 3 करके जो है नीचे तक सीरियल वाइज जो आपको यहाँ पर जो है नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन डेट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने में एक नोटिस जो इस तरीके का जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नोटिस जो आपके सामने में आ जाता है। इसमें बहुत सारा जो है सूचना जो इसमें आपको दे दिया जाता है, किस तरीके से जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले आपको हम पढ़ करके सुना देते हैं। सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली जो है हमारे वीडियो के थ्रू आपको दिखाई पड़ जाए। तो आशा करते हैं कि आपको अब क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इस तरीके से इसमें क्या दिया गया है, आवश्यक सूचना करके इसमें दे दिया गया है। सर्वसाधारण एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता DCEC इसके अंतर्गत जो भी आते हैं इसमें सम्मिलित कर दिए गए। 2022 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये जो है सम्मिलित कर दिया गया यहाँ पर 3/6/2022 के अनुसार। इसमें भी DCEC करके जो सम्मिलित कर दिया गया, इसका 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि, इसमें मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने का जो अंतिम तिथि है उसके बारे में दे दिया गया है। इसके बाद अगर आप देख लेते हैं तो इसमें मतलब कि डेट में जो है कुछ चेंजिंग्स किए गए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो पहले था 12/6/2022, इसको करके अब 13/6/2022 कर दिया गया है। मतलब कि इसमें जो है कुछ डेट जो है इसमें बढ़ा दिए गए हैं, 12 से 13 कर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो लास्ट जो पेमेंट का जो डेट है इसमें भी कुछ चेंजिंग्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो डेट में जो कुछ यहाँ पर आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम आपको बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मतलब कि मुझे जो है कमेंट्स कर रहे थे, मुझे मैसेजेज कर रहे हैं कि सर क्या अभी अपडेट आ रहा है कि एडमिट कार्ड का और डेट जो है एग्जामिनेशन का जो डेट है उसके बारे में क्या क्या है। तो आपको हम क्लियरली सबसे पहले हमको बता दें कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेगा, था 27/6/2022 को, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा 29/6/2022 तक आपको एडमिट कार्ड और आसानी से जो आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। इसके बाद जो है एग्ज़ाम का जो डेट के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो 9 तारीख जो है 9/7/2022, ठीक है, इसमें PE और PPE होगा। और 10/7/2022 को आपको किसका एग्ज़ाम होगा, तो फिर होगा PM और PMM का होगा। तो इसी तरीके से मैंने जो है जो भी इस वक्त जो है नोटिस जो सामने आ रहा है आपके लिए मैंने निकाल दिया है और आपके बीच मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जो है इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हम रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ते रहें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।